अवकाश का फायदा उठाते हुए जियो कंपनी के द्वारा फाइबर केबल बिछाने के लिए खुदाई का कार्य किया जा रहा था, जिस पर नगर निगम भिलाई की टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर जब दस्तावेज की मांग की गई तो वहां मौजूद कर्मचारियों ने पुरानी अवैध अनुमति 2019 की दिखाई, जिसकी समय अवधि समाप्त हो चुकी थी। इसे देखकर नगर निगम के अधिकारियों ने बिना देर किए काम को बंद करवा दिया। निगम के अधिकारियों की टीम जुनवानी रोड MJ कॉलेज के समीप पहुंची और बिना अनुमति के जियो फाइबर केबल के लिए किए जा रहे खुदाई कार्य को बंद करवाया। मौके पर इस दौरान कोई भी प्रमुख ठेकेदार वहां मौजूद नहीं था, परंतु काम कर रहे कर्मचारी उपस्थित थे। इनकी मौजूदगी में तोड़फोड़ दस्ता ने कार्रवाई की। शाम लगभग 5 बजे खुदाई का काम किया जा रहा था। यह पहली दफा नहीं है जब जियो कंपनी केबल बिछाने के लिए बिना अनुमति के गड्ढे खुदाई का काम कर रही है। इसके पूर्व भी चोरी छुपे रात के अंधेरे में कंपनी ने खुदाई का काम किया है। इसी खुदाई के लिए भिलाई निगम के वार्ड 3 के जनप्रतिनिधि द्वारा भी विरोध किया गया था, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा और जियो कंपनी के कर्मचारियों के साथ मारपीट तक हो गई, जिसकी शिकायत स्मृति नगर चौकी में की गई थी। और ऐसी परिस्थिति को देखते हुए निगम के MIC सदस्य लालचंद वर्मा ने इन सभी गतिविधियों से निगम को अवगत कराने का बीड़ा उठाया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए निगम भिलाई की टीम ने मौके पर छापामार कार्रवाई की और 2 टैंकर, 1 ट्रैक्टर सहित 58 नग, ड्रिल पाइप सहित वायर ड्रम भी मौके से जब्त किया। कार्रवाई की जानकारी निगम भिलाई के MIC सदस्य लालचंद वर्मा ने न्यूज टीम को दी है। बिल्कुल कार्रवाई हुई है। हमने हरिओम तिवारी जी के साथ जिस दिन से जियो कंपनी के गुंडे तत्व के लोग मारपीट किए, उसके बाद से नगर निगम के कमिश्नर से मुलाकात करके जियो कंपनी के ऊपर FIR दर्ज कराने की बात कही थी और सख्ती से कार्रवाई करने की बात कही थी। हिमांशु देशमुख जी, जो कि भवन अनुज्ञा के अधिकारी हैं, उनसे भी मुलाकात करके कार्रवाई करने की बात कही थी, जो कि आज दिख रहा है। जियो कंपनी के द्वारा पुराने 2019 की अनुमति को दिखा करके पूरे शहर में जिस प्रकार से खुदाई का कार्य किया जा रहा था, उसको निगम प्रशासन के द्वारा हमारे दबाव पर उनकी सारी मशीनरी को जब्त किया गया है, जिसमें टैंकर भी हैं, ड्रिल भी हैं और भी बहुत से ऐसी हैं जो कार्रवाई नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। पेनाल्टी भी नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। निगम प्रशासन को और भी सख्त रवैया अपनाने की ज़रूरत है, जिससे निजी कंपनियों द्वारा शहर भर को खोदकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और किसी हद तक सरकारी राजस्व की भी चोरी की जा रही है। इसके लिए ज़रूरी होगा कि निगम प्रशासन जिला प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। ग्रैंड एशिया न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।